नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम सामान्य विज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, साथ में हम एक अभ्यास प्रश्न भी करेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट के रूप में ए बी सी डी चार ऑप्शंस में से जो भी आपको लगता है कि सही है वो आप देंगे। बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न एक, वायुमंडल के अध्ययन को डैश कहा जाता है। आकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, माप विद्या, खनिज विद्या। इसका सही उत्तर है मौसम विज्ञान। प्रश्न दो, एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? ऊंचाई, आवृत्ति, आयाम, इंफ्रासाउंड। एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्रश्न तीन, एक क्रेस्ट से दूसरे या एक तरंग से दूसरे तरंग की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ, आवृत्ति, एम्पलीट्यूड, उपर्युक्त सभी। एक क्रेस्ट से दूसरे या एक तरंग से दूसरे तरंग की दूरी को वेवलेंथ। प्रश्न चार, विटामिन ई निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? कोशिकाओं की रक्षा के लिए, महत्वपूर्ण उत्तकों के संरक्षण के लिए, ए और बी दोनों, हड्डियों के विकास के लिए। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। प्रश्न पांच, वसा डैश से ज्यादा दोगुनी शक्ति देती है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन। वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी शक्ति देती है। प्रश्न छह, पसीना, लार, आंसू, दूध और म्यूकस में निम्नलिखित में से क्या होता है? लाइसोसोम, क्रोमोसोम, राइबोसोम, गोल्जी निकाय। इन सभी में लाइसोसोम पाया जाता है। प्रश्न सात, 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को डैश कहा जाता है। इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, मेगासाउंड, माइक्रोसाउंड। अल्ट्रासाउंड कहा जाता है वैसे ध्वनि को जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रश्न आठ, किस बीमारी में थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है? घेघा, रक्ताल्पता, सूखा रोग, इनमें से कोई नहीं। घेघा रोग में, ग्वाइटर में, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, उसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है। प्रश्न नौ, मृदा में पीएच मान डैश को प्रभावित करता है। पौधे, जानवर, चिड़िया, मानव। पौधे, पौधों को पीएच मान अगर अम्लीय है या क्षारीय है तो वो जो है पौधे के विकास में या तो मदद करेगा या उसको रोकेगा। तो किसी किसी जमीन पर आप देखेंगे उर्वरता जो है वो कम होती है, कईयों में ज्यादा होती है, तो ये सभी पीएच के मान पर भी निर्भर करता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वसा जांच के लिए होता है? इथेनॉल, इथिलीन, मेथनॉल, ग्लाइकॉल। इथेनॉल का यूज, उपयोग वसा जांच के लिए किया जाता है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को पसंद नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कर दीजिए। आई होप कि आपको यह पसंद आ रहा होगा। साथ ही ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ये आपके लिए फायदे का होगा। इस पर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, आ चुकी हैं, आने वाली हैं, तो ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी में मदद ही करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि
आप जो है MC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल ऑप्शंस ओपन रखिए, ताकि जब भी MC एजुकेशन के द्वारा कोई भी नया वीडियो डाला जाए, उस पर अपलोड किया जाए, तो आपको उसकी तत्काल सूचना मिल जाए, उसकी सूचना तुरंत मिल जाए, इन नो टाइम मिल जाए। प्रश्न 11, गैस ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। फुफ्फुसीय शिरा, महाधमनी, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। फुफ्फुसीय शिरा जो होता है, पल्मोनरी वेंस कहते हैं उसको, तो फुफ्फुसीय शिरा जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। प्रश्न 12, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित गैस की संख्या होती है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इसका सही उत्तर है प्रोटॉन्स। प्रश्न 13, किसी तत्व की भार संख्या उसमें उपस्थित गैस की संख्या होती है, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर भार संख्या होती है किसी भी तत्व। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, अम्ल, क्षार, ऑक्साइड, सल्फाइड। लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस में क्षार बेस जो है ब्लू में चेंज कर देता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है, अम्ल, क्षार, क्लोराइड, फ्लोराइड। इसका सही उत्तर क्या है, अम्ल। प्रश्न 16, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किसका परत चढ़ा होता है, तांबे का, निकेल का, जस्ते का, सोने का। गैल्वनाइज्ड गैल्वनीकरण जो होता है वो जस्ते के वजह से इसका नाम इस तरह से रखा गया है, तो गैल्वनाइज्ड लोहे पर जस्ते का। प्रश्न 17, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, आमीटर, वोल्टमीटर, क्रोनोमीटर, कराटमीटर। आमीटर का इस्तेमाल। प्रश्न 18, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, आमीटर, वोल्टमीटर, क्रोनोमीटर, कराटमीटर। कराटमीटर का उपयोग सोने की शुद्धता के लिए होता है। प्रश्न 19, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, स्वास्थ्य पेय, उर्वरक, सिंथेटिक कपड़े, इनमें से कोई नहीं। उर्वरक। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सा है, चांदी, तांबा, सोना, पारा। सही उत्तर है सोना। आघात वर्ध्य मतलब अगर उस पे चोट करें तो वो कितना, सबसे ज्यादा कौन सी धातु में फैलाव होगा, तो वो सोने में होता है। आइए अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है, चांदी, तांबा, टंगस्टन, प्लेटिनम। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पहले आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखिए और फिर अपने ऑप्शन ABCD में जो भी आपको सही लगता है या जो भी आपको जानकारी है वो ऑप्शंस की फॉर्म में लिखिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कर लीजिए, साथ ही अगर MC एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले वीडियो के साथ होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।